हेलो गाइस, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं जो आपको कंपोनेंट बताने जा रहा हूँ वो है डायोड। वैसे तो मेनली डायोड चार किस्म के होते हैं, और जिसमें कि पहला एक सेमीकंडक्टर या रेक्टिफाइड डायोड भी कहते हैं उसको, दोनों किस्म से बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर या रेक्टिफाइड। दूसरा जीनर डायोड, और तीसरा एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और चौथा आ गया आपका फोटो डायोड, जो कि हम मोस्टली सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो फिज़िकली मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड के ऊपर डायोड किस तरीके का दिखाई देता है। देखिए गाइस, ये बोथ साइड पिन है, ब्लैक कलर का है। ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, बोथ साइड पिन है इसके, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये साइज़ में थोड़ा बड़ा है, ये रेक्टिफाइड डायोड, ये देखिए, ये रेक्टिफाइड डायोड। तो मैं अभी आपको इसकी टेस्टिंग भी बताऊंगा, बाकी पहले इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जहाँ तक जीना डायोड है वो एक फिक्स वैल्यू देता है, फिक्स वोल्टेज देता है। मोस्टली वो एसी, एलसीडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, उनकी जो सप्लाईज होती हैं और वहाँ पर मेन सप्लाई के पास में लगा होता है, ताकि आगे वो हमारे सर्किट को, हमारे आईसीस को सेव कर सके। कोई फ्लक्चुएशन होती है तो जीना डायोड एज ए फ्यूज़ काम करता है, वो तुरंत ही उड़ जाता है, ओपन हो जाता है, तो इससे हमारा आगे का सर्किट जो है सेफ रहता है। लाइट एमिटिंग डायोड मेनली, जैसा कि आप नाम से पहचाने में हुए, लाइट देता है, रोशनी देता है, ये लाइट के लिए यूज़ होता है। जैसे हमारा कीपैड सेक्शन हो गया या हमारा डिस्प्ले सेक्शन, जैसे कि एंड्रॉयड में डिस्प्ले ये देख रहे हैं, ये LEDs लगी हुई हैं, एक सीरीज़ के अंदर हैं। जब इसमें वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये जलती हैं, जब ये ग्लो करती हैं सभी LEDs, तो हमें डिस्प्ले में क्या होता है, हमारे कॉन्टैक्ट या व्यूज़ वगैरह जो भी हैं वो हम विजुअली देख सकते हैं। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी एक डायोड है। और जैसे कि कीपैड में है तो कीपैड का भी मैं आपको डायोड दिखा देता हूँ अभी। देखिए कीपैड सेक्शन में ये दिखाई दे रहे हैं आपको, हमारे कीपैड सेक्शन को जो रोशनी देते, ये भी एक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो गाइस, रेक्टिफायर डायोड जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया, इसकी वर्किंग के बारे में, इसकी टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। तो मैं मल्टीमीटर की प्रॉब कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद मैं डायोड को बोथ साइड चेक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है। तो गाइस, अब मैं प्रॉब को चेंज करता हूँ। देखिए गाइस, अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स कि ये डायोड ओके। डायोड को बोथ साइड चेक करने पर मुझे एक तरफ से तो वैल्यू आएगी और एक तरफ से वैल्यू नहीं आएगी, तो ये डायोड क्या होगा, ओके कंडीशन में। अगर डायोड दोनों तरफ से वैल्यू दे, अगर डायोड दोनों तरफ से वैल्यू देता है तो ये लीकेज कंडीशन होती है। अगर बोथ साइड आपको डायोड पर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो ये ओपन कंडीशन होती है। और इसी के साथ अगर बीप साउंड दे रहा है डायोड इस तरीके से चेक करने पर, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो वो शॉर्ट कंडीशन है। ओके और ओके कंडीशन सिर्फ एक ही उसमें होगी कि जब आप वन साइड इसमें वैल्यू आए और वन साइड कोई वैल्यू ना आए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लीकेज कंडीशन में बोथ साइड वैल्यू आएगी, उस स्थिति में भी आपका डायोड ख़राब है। और अगर बोथ साइड आपको कोई वैल्यू नहीं आ रही है, वो कंडीशन ओपन कंडीशन है, उस स्थिति में भी आपका डायोड ख़राब है। तीसरी
कंडीशन अगर बोथ साइड आपको या वन साइड सिंगल साइड आपको बीप साउंड आ रही है तो भी आपका डायोड ख़राब है शॉर्ट कंडीशन। तो केवल और केवल डायोड एक ही स्थिति में आपका ओके है जब आपको ये वन साइड वैल्यू दे रहा हो और वन साइड कोई भी वैल्यू ना दे रहा हो। तो गाइस अभी मैं आपको जैसा कि LED लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में चेक करके बताता हूँ। तो आप चेंज करते हैं गाइस, ये देखिए ये लाइट LED ग्लो कर रही है, ये देखिए ये LED ओके कंडीशन लाइट एमिटिंग डायोड है। कीपैड सेक्शन में लगा हुआ है, दो ही सेक्शंस होंगे जहां LED का यूज़ होता है, या फ्लैश लाइट में भी हम यूज़ करते हैं वो भी एक LED है लाइट एमिटिंग डायोड, ये देखिए। डिस्प्ले, मैंने ये डिस्प्ले ओपन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। साइड चेक करके देखते हैं, ये देखिए गाइस आपको ये LED ग्लो करती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सीरीज़ में जब हम ये लगी हुई हैं और इसमें एक वोल्टेज देंगे 18 प्लस वोल्टेज, ये देखिए ये ग्लो कर रही है। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड ओके कंडीशन में। और एक डायोड जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में मोस्टली यूज़ होता है, जिसे फोटो डायोड भी कहते हैं, छाया या प्रतिबिंब देख के काम करते हैं, जो कि सेंसर के लिए यूज़ किया जाए। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जब कॉलिंग टाइम में आप अपने कान के पास ईयर के पास फ़ोन को लेके जाते हैं तो उसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो ऑफ हो जाती है, और जब वहाँ से वापस लेके आते हैं तो वो लाइट ऑन हो जाती है। तो ये फोटो डायोड छाया या प्रतिबिंब देख के काम करता है, इसके आगे अगर हाथ रखेंगे कॉलिंग टाइम में तो आपका डिस्प्ले लाइट जो है बंद हो जाएगा, और जब हाथ हटाएंगे तो डिस्प्ले लाइट ओपन हो जाएगा, वो इस सेंसर की वजह से। ये एक सेंसर है फोटो डायोड, छाया या प्रतिबिंब देख के काम करता है। तो गाइस मैंने आज आपको चार किस्म के डायोड के बारे में बताया है, सेमीकंडक्टर डायोड, ज़ीनर डायोड, LED लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड। और नॉर्मल जो डायोड है जो हमारे PC में इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक कलर का, बोथ साइड पिन होंगी, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको ये वाले। इसकी वर्किंग के बारे में भी आपने जाना आज कि वन साइड वैल्यू और वन साइड नॉट वैल्यू, तो ये ओके कंडीशन है, बाकी तीनों कंडीशन में ये फॉल्टी है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा फिर मैं आपको। थैंक यू।